आपको हालत दिखाता हूँ कि -6 डिग्रीज में क्या हालत होती है। तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है और आपका दिल से थैंक यू है। ये हमारी यूनिवर्सिटी है और एक काम मैंने बड़ा ज़रूरी करना है, मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे एग्जाम वगैरह कैसे होते हैं। तो भाई सच बताऊँ तो लेस्टर में इस वक्त ना जॉब ढूंढना ना। हेलो एवरीवन, माय नेम इज आयुष एंड वेलकम बैक टू एस व्लॉग्स। आई होप सब अच्छे होंगे। तो मैं भाई जॉब के लिए लेट हो रहा हूँ, मतलब अपने भाई ऑफ वेयर हाउस जा रहा हूँ मैं जहाँ काम करता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल डाइट अभी ले रहा हूँ, वे प्रोटीन मैंने इसमें डाल दिया हुआ है और टीम के लिए साथ साथ खा लूँगा। टाइम नहीं निकलने वाली बात है यार, मल्टीविटामिन सी टैबलेट मैंने खा ली है, क्रिएटिन वगैरह सब पी लिया, अब बस निकलते हैं वरना लेट हो रहा हूँ यार, बस छूट जाएगी नहीं तो। तो भाई मैं तो निकली हूँ यहाँ से सीधा बस के लिए। एक बार यहाँ का व्यू देखो भाई, कितना अच्छा लग रहा है। तो अंधेरा होने वाला है बट आज थोड़ा लेट अंधेरा होगा, ऐसे में तो 4 बजे तक हो जाता है। तो भाई अभी तो मैं रास्ते में हूँ, पहुँचने वाला हूँ, 10 मिनट और बस निकलेगी, बट 2-4 मिनट में मैं पहुँच जाऊँगा वहाँ पे। और डिप्टी एक वेयर हाउस है जो कि लिस्ट में LE19 में हिंकले, ठीक है। तो मैं वहाँ पर काम करता हूँ और मेरे को ऑलमोस्ट 3 महीने हो गए वहाँ पर काम करते हुए। तो भाई वैसे तब उसके पास आ चुका हूँ, आ गई मेरी बस। तो यार जब मैं वीडियो शूट कर रहा था मैंने ध्यान ही नहीं दिया वीडियो बनाने के बाद कि मेरी वॉइस क्वालिटी कैसी आ रही है। पीछे बस का शोर इतना ज़्यादा था कि मेरे को मेरी ही आवाज़ नहीं आ रही थी, ठीक है। फिर मेरे को अब वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो मैं इस वीडियो में एक्चुअली में कह रहा था कि मेरा जो काम है वो है पार्सल स्कैनिंग का, ठीक है। जो आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो लाइक जो भी आप ऑर्डर करते हो तो उन पार्सल्स को मैं स्कैन करता हूँ, देन हमको वो लकड़ी के ब्लॉक्स के ऊपर रखना होता है, देन फिर वो आउटफीड में जाता है, मतलब वो ट्रक में लोडिंग के लिए जाता है। मेरा बस इतना ही काम है। ऐसे हमारा जो काम है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसको हम बोलते हैं इनफीड, आउटफीड और पार्सल स्कैनिंग। फिलहाल मेरे को बस की टिकट स्कैन करनी पड़ेगी, देन मेरे को अंदर बैठने देंगे वरना मेरे को बैठने नहीं देंगे, स्कैन करके अंदर बैठते। तो मेरे को फिर से पता नहीं चला कि मेरी ऑडियो क्वालिटी इतनी ज़्यादा ख़राब आ रही है बस के शोर की वजह से। तो वैसे मैं इसमें कह रहा था इतनी ज़्यादा भाग दौड़ लाइफ के बावजूद भी मैं डाइट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा, अपने डाइट अपने साथ लेकर चल रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो शेक्स वगैरह बनाकर अपने साथ लेकर चल रहा हूँ और मील्स भी मैं अपने साथ लेकर चल रहा हूँ, बैग में पैक करी है मैंने और साथ ही साथ फ्रूट भी लेकर जा रहा हूँ। तो मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं बिल्कुल। चलो भाई हमारी हो गई शिफ्ट ख़त्म, अब ये हमारा लॉकर रूम है जहाँ पे हम अपने कपड़े वगैरह रखते हैं, लाइक जो भी सामान वामान लेके हम आते हैं यहाँ पे हमको रखना होता है लॉकर रूम में, और साथ साथ हमको फ़ोन भी अलाउड नहीं होता कि हम अंदर लेके जा सकें। क्या क्या हाल चाल, ठीक हो? चलो जी मैं आपको बाहर से अपना वेयर हाउस दिखाता हूँ बाहर से कैसे दिखता है। देख लो भाई रात को कुछ इस तरह दिखता है, रात के सुबह ही हो रही, सुबह के 4:30 बज रहे हैं। तो ये यहाँ पर सामने पार्किंग है, ठीक है, वो हमारी बस आ गई वहाँ पर, ठीक है। इस पार्किंग में हमको पार्किंग फ्री है, बाइक और बाइसिकल वगैरह भी पार्क कर सकते हो, वो VIP पार्किंग होगी। और ये मेरा पूरा DPD का जो मेन वेयर हाउस है वो ऐसा दिखता है, और वो सामने अमेजोन का वेयर हाउस भी है। तो अब हम चलते हैं वापस घर पे, आपको हालत दिखाता हूँ कि -6 डिग्रीज में क्या हालत होती है यहाँ पर। ये देखो भाई गाड़ी का हाल पूरी सफ़ेद हो गई है, ये देखो बर्फ़ जम चुकी है भाई, मतलब बुरी हालत हो गई ठंड में, लेकिन भाई क्या करें, काम तो करना ही है ना। चलो अब चलते हैं घर पे, जो मैंने आपको मेन काम था वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि मेरा काम है क्या, कि मैं काम एग्जैक्टली करता क्या हूँ, ठीक है। अब चलते हैं घर पे, भूख लग रही है थोड़ी बहुत, खाते हैं कुछ और फिर जो बाकी का व्लॉग होगा वो मैं सुबह कंटिन्यू करूँगा और शाम को ख़त्म करूँगा ऐसा, क्योंकि फिर मैं उसके शाम के बाद मैं अगले दिन का व्लॉग भी कंटिन्यू करूँगा ना, इसलिए। तो मैं आ गया आयुष भाई, सब्जी वगैरह काट तो रहे थे, पता नहीं मेरे लिए बचा भी है कि नहीं, लेट्स सी। भाई ये देखो पास्ता कितना ज़्यादा बचा है मेरे लिए, ये देखो इसे चले नहीं बचाते, हम लोग को लग रहा है बनाना पड़ेगा अपने लिए कुछ ना कुछ। एग्स पड़े हैं, ऑमलेट बना लेता हूँ, ये तो कुछ बनेगा ही नहीं है मेरा, डब्बे में रोटी भी इतनी सी पड़ी है यार, इस वक्त इतनी भूख लग रही है ना और कुछ पड़ा ही नहीं खाने के लिए, ये है रियलिटी यहाँ की। देख लो अब बनाऊँगा कितने 9 घंटे की शिफ्ट लगाने के बाद अब मैं खाना बनाऊँगा, सोचो सुबह के 4:30 बज रहे हैं, खाना बना के खाना सोना 5:30-6:30 बज जाएंगे,
सोच लो भाई आने से पहले, अभी भी टाइम है, सोच लो। कोई कोई टॉलरेट कर लेता बट कोई कोई टॉलरेट नहीं कर पाता, तो भाई यही आवाज रियलिटी यहाँ की। तो अब फिर से माइंड बना लो अपना, मैं तो कह रहा हूँ फेस करो, स्ट्रगल देखो, बट जिनसे नहीं हो पा रहा भाई वो भी देख लो। मैं तो कह रहा हूँ भाई अच्छे से प्रिपेयर हो करो, वरना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। थोड़ा सा पास्ता, थोड़ी सी सब्जी, थोड़ा सा अंडा बुंदी, और ये बीच में हो रही है भाई फिश प्रिपेयर। ये फिलहाल की मेरी मील आयुष भी उठ गए, मेरी हेल्प किए बनाने में, ठीक है, बाकी सारे सो रहे हैं, ठीक है। तो अब ये खाते हैं, तो उसका सोचते हैं भाई, बड़ी तगड़ी नींद आ रही है। इस वक्त बज रहे हैं करीब 5 बज चुके हैं अभी, ठीक है। और अब मानोगे नहीं, मेरा सुबह एग्जाम है, सुबह 9 बजे, और मेरे को 8:30 बजे उठना पड़ेगा। यहाँ से जाऊँगा लाइब्रेरी, फिर उसके बाद भाई एग्जाम नहीं है अपना, मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे एग्जाम वगैरह कैसे होते हैं। तो फिलहाल मैं खाता हूँ, पेट पूजा पर काम नहीं मिलता, ये बात है कि। तो दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ लाइब्रेरी में, मेरा एग्ज़ाम है, मैंने जैसे आपको बताया था 9 बजे एग्ज़ाम है मेरा। तो 9, तो आपको क्या लग रहा है कि मैं 9 बजे उठाऊँ? नहीं, आपको बिल्कुल सही लग रहा है कि मैं 9 बजे के बाद उठाऊँ, मैं उठाऊँ 10 बजे, ठीक है। सो के उठ के 10 बजे उठाऊँ, अब मैं जा रहा हूँ लाइब्रेरी, मैं और युवराज में जा रहे हैं, अब हम वहाँ पर जाके अपने असाइनमेंट शुरू करेंगे। तो इस वक्त बज रहे हैं 11:30, 6 घंटे के असाइनमेंट थे, 6 घंटे के अंदर सबमिट करनी है मतलब। तो भाई 3 घंटे तो हो गए ऑलरेडी, 3 ही घंटे बचे हैं, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा हमको। तो ये भी नहीं पता भाई लिखना क्या, टॉपिक भी नहीं पता, कुछ नहीं पता। हाँ, और आप सोच रहे हो इतनी अच्छी धूप निकली है, कितना सही है, लेकिन फिर भी जैकेट वैकेट पहन के रखिए भाई, धूप से नामती है, धूप से वैसे दिखती है, लगती नहीं है गर्मी, गर्मी से लगेगी समझ में, मौसम दिखता है इसमें बस, गर्मी गर्मी नहीं लगती, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठंड अभी भी 2-3 डिग्री होगा। ये देख लो भाई हमारी डीएनयू की लाइब्रेरी, बहुत बढ़िया यार, मस्त है एकदम। ये आ गया विजय पाटिल बिल्डिंग, और ये हमारी लाइब्रेरी, चलो जल्दी चलते हैं। आज लग रहा है लाइब्रेरी में खुश होगा, एग्जाम देना मतलब। लाइब्रेरी है तो बड़ी सुंदर है, मेरे को पहले कॉफ़ी ले ली, तो नींद आ रही है यार, और अपनी नींद को भगाएं और एग्ज़ाम देता हूँ, फिर उसके बाद समझ नहीं आ रहा लिखना क्या है, टेंशन बढ़ी थोड़ी सी। हम यहाँ पे अपने सेमिनार आना शुरू करेंगे, ये आगे मेरी कॉफ़ी। ओ भाई घड़ी देख रहे हो, वायरलेस चार्जिंग 280 पाउंड की है, 280 पाउंड, पैसा देख रहे हो 30,000 रुपये की, कार्ड बोलो कार्ड, ये देख लो भाई कार्ड, देख लो भाई मेटल भी है, नहीं नहीं प्लास्टिक है, ये देख लो एग्जाम हमारा कैसे चल रहा है। ये देखो ये सब भाई GPT सब खुला पड़ा है, देखो आप GPT चल रही है, सब भाई सब चल रहा है यहाँ पे, ऐसे ज्ञान होते हैं यहाँ पे भाई। तुम GPT क्यों यूज करते हो? अच्छा आपने देखना क्या क्या यूज़ किया, वो तो आप टैब से यूज़ कर रहे थे, देख लिया था मैंने, आपको तिरछी नजर है मेरी, ठीक है। अब मैंने जाके चाहिए अपलोड कर दी अपनी फाइल भाई, अब मैं आराम से सोऊंगा घर जाके, मैं सोया ही नहीं है 2.5 घंटे सोया सारा, फिर अब उठ के फिर एग्जाम दिया, अब जाके मैं सोऊंगा सुकून की नींद। चलो भाइयों अब हम जा रहे हैं कुछ पेट पूजा करने के लिए, फिर बाकी काम दूंगा, जैसे पहले बोलता आ रहा हूँ वही सेम चीज़ फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हम शायद से कहाँ जाएँ, सबवे जा रहे हैं सोच रहे हैं, यहाँ तो सबवे यहाँ तो फिर मैकडॉनल्ड्स चलते हैं, भूख बड़ी लग रही है, चलो जल्दी चलते हैं। लो भाई सबवे आ गए हम, देख लो ये हमारी यूनिवर्सिटी का कैंटीन वाला सबवे है, ये हम कहीं दूर नहीं गए हैं, बस दूसरी गली में आए हैं। चलो जो जो है ना DME वाले आना सबवे लगाना चक्कर भाई, मस्त मिलता है यहाँ पे सामान वामान, थोड़ा बीफ वगैरह का ध्यान रखना बाकी सब ठीक है। तो भाई हमने कर लिया है बिग बॉम्बे का भाई, फुट लॉन्ग वाला जो सब, बस ये करते हैं, इसको बोलेंगे काट के दे दे दो, मस्त एकदम मजे से खाएंगे फिर। ये भाई कुकी भी बहुत मशहूर है यहाँ की, बस यहाँ का थोड़ा ना ध्यान रखना, मतलब बेवकूफ मत करा देना भाई, कार्ड पेमेंट करो एक बार, घड़ी से कार्ड पेमेंट हो रही है भाई, देख रहे हो टेक्नोलॉजी कहाँ पहुँच चुकी है। ये तो मूवमेंट हो गया, ये तो मूवमेंट हो गया भाई, व्यू देखो एक बार, क्या ये व्यू है, मजा आ गया देख के, शांति से मिल रही है, ज़्यादा शोर शराबा भी नहीं है, यही शांति के लिए तो मैं यहाँ पे आया था, अब शांति मिल रही है ना, कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा शांति मिलना शुरू हो जाएगी ना कुछ टाइम बाद, फिर मैं बोलूँगा भाई शोर चाहिए, शोर नहीं मिलेगा कोई नहीं, जैसा भी है सही है, आओ यहाँ पे आओ मज़े लो। बाकी अगर मैं यहाँ के एजुकेशन सिस्टम की बात करूँ ना, तो भाई बच्चों में कोई प्रेशर नहीं है किसी चीज़ का, कि आपको बड़ी पढ़ाई करनी है, आपको बड़ा याद करना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, बस आपको यहाँ पे ऐसा है कि ताकि 4 GPT चलाना आना चाहिए,
अच्छे से और उसको पैराफ्रेज करना आना चाहिए। बस आपको चैट जीपीटी और पैरा रिफ्रेश करना आना चाहिए, दो तीन काम सीख लो बस, ये आप अच्छे से करके आओ, इंडिया से सीख के आओ, बस आपके असाइनमेंट सब बन जाएगी। पैसे देते वैसे तो यहाँ पे लोग यार 20-30-40 पाउंड दे देते हैं, एग्जाम पास करा देते हैं, असाइनमेंट बना देते हैं, लेकिन मैंने हाँ कई बार वो भी फेल करा दें। मैंने तो आज तक कभी कोई ट्राई किया नहीं असाइनमेंट किसी से बनवाऊँ, खुद ही बनाता हूँ, मैं बनाता हूँ, मैंने नहीं कभी ट्राई किया ऐसा। अगर आपका मन किया तो कर लेना, ऐसे मेरे हिसाब से तो खुद ही कर लो यार, क्या ही जा रहा है, कितना टाइम लगता है असाइनमेंट बनाने में। इंडिया की तरह तो बिल्कुल नहीं है कि भाई कॉपी बनाओ, ये करो वो करो, भाई बड़ा चिल है यहाँ पर, इतना सीन नहीं है। देखो भाई हमारा घंटाघर, ओह क्या बात भाई, मस्त व्यू दिख रहा है, दिखता ही जा रहे हैं। अभी जा रहे हैं मैकडी कुछ खाने के लिए, फिर से भूख लग गई है। चलो भाई ये हमारा मैकडी लेस्टर सिटी सेंटर का, अभी हम भाई कराएंगे रैप, फिर वो खाएंगे। कौन सा कराना मेरे को नहीं पता, कौन सा आप करो। चलो जी सामान वामान ले लिया हमने, ये आ गई मेरी कॉफ़ी, अब चलते चलते खाते पीते हैं, क्योंकि भैया ने भाई शिफ्ट जाना है, भैया हो जाएंगे लेट, भैया ने जाना है शिफ्ट, तो मैं नहीं चाहता कि भैया लेट हो, इसलिए हम रास्ते में ही खा लेंगे भाई। अब हम करते हैं भाई फिर से पेट पूजा, बाकी काम पूजा, बाय बाय। यार फिर से व्यू चेक करो, क्या बात है, ये हमारी यूनिवर्सिटी है भाई, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे आके, पता नहीं क्यों, जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी में होता हूँ ना बड़ा सुकून सा मिलता है, बड़ा अच्छा अच्छा सा लगता है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है यार, बड़ा अच्छी। ये कॉफ़ी तो ले ली है मैंने मैकडॉनल्ड से, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा ये मीठी है ना, कॉफ़ी तो लगी नहीं थी किसी एंगल से, ऐसा लग रहा है क्रशर है, क्रशर पता समझते हो यार, बर्फ को ना एकदम ऐसे क्रश कर देते हैं, बस वो उठा के डाल दिया ऐसा लग रहा है। टेस्ट तो कॉफ़ी वाला बिल्कुल नहीं आ रहा, ऊपर से किसी आइसक्रीम डाल दी है, मिक्स हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या, ना ये कॉफ़ी बची है ना ये आइसक्रीम बची है, पता नहीं क्या, लेकिन जो भी है पैसे दिए पीने से पड़ेगी। दिन में सूरज निकलता है बट यहाँ पे दिन में चांद निकलता है। बाकी यार फिर से व्यू चेक करो यार, आप फिर से व्यू चेक करो, अच्छा लग रहा है ना दिखने में, कैमरा भी बड़ा अच्छा लगता है भाई डॉगी। लो जी घर पहुँच गए हम, घर जाते हैं और एक काम मैंने बड़ा ज़रूरी करना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुआ सोना है भाई, नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, लेकिन कॉफ़ी पी लिए, लोग बोलते हैं कॉफ़ी पी के नींद नहीं आती, मेरे को सबसे ज़्यादा नींद आती है कॉफ़ी पीने के बाद। जाओ जाओ आप भी जाओ शिफ्ट लगाओ, ये भाई भैया जा रहे हैं शिफ्ट पे, मैं भैया ग्लव ग्लव पहन लेना तो आराम से शिफ्ट मारना, ठीक है चलो ठीक है फिर मैं ध्यान रखो ताड़ा। चलो भाई मैं लगा सोने, अब बहुत ज़्यादा नींद आ रही मेरे को, अब भाई बेड करता हूँ साफ, भाई नींद आ रही बहुत ज़्यादा मेरे को, अब एडिटिंग भी करनी है, व्लॉग भी डालना है, चलो व्लॉग तो मैंने डालना ही नहीं है, वो भी डालना है अभी, चलो करते हैं एडिटिंग। और हाँ अगर कोई कह रहा है कि अगर लेस्टर में जॉब्स नहीं है, ये जॉब है मिल नहीं रही है जो भी है, तो भाई सच बताऊँ तो लेस्टर में इस वक्त ना जॉब ढूंढना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका हुआ अभी के लिए, ठीक है, अगर आपका रेफरेंस है तो भी आपको बड़ा मुश्किल हो जाएगा जॉब मिलने के लिए, क्योंकि वैकेंसी नहीं होगी, रेफरेंस क्या कर लेगा वहाँ पे, है ना, तो इस वक्त तो भाई काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है जॉब ढूंढना, बट हाँ कुछ वैकेंसीज निकली हैं अभी, और अगर कोई लेस्टर में रह रहा है ना तो एक काम करो हाई क्रॉस मॉल जाओ, ठीक है, वहाँ पे आप किसी से भी पूछ लेना कि नोटिस बोर्ड कहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, नोटिस बोर्ड में क्या होता है कि वहाँ पे ना लेटेस्ट वैकेंसीज लिखी होती है हाई क्रॉस के अंदर, तो वहाँ पे जितने भी नई शॉप्स खुली हैं या मॉल्स खुले हैं जो भी, वहाँ पे ना वैकेंसीज का एक नोटिस लगा देते हैं ताकि जो भी आए वो देख ले एक बारी, ठीक है, तो आप वहाँ पर जाके एक बार चेकआउट करो आपके अकॉर्डिंगली आपको जॉब मिल रही है या नहीं मिल रही है, एक चीज़ ये कर सकते हो। और दूसरा इंडीड पे अप्लाई करो भाई, 250-400 जगह अप्लाई करो, जितने ज़्यादा जगह अप्लाई कर सकते हो कर दो भाई, कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, इंडीड पर ही करना और टोटल जॉब्स पर भी कर सकते हो। और आप हाँ और आप ना कैफेज में जा जाकर एक बार पूछो, क्योंकि भाई बहुत मुश्किल हो रहा है अभी निकालना जॉब्स का ना, और फिर उसके बाद आप एजेंसीज में जाकर ट्राई कर सकते हो, जितनी भी एजेंसीज होती है ना जो जॉब वगैरह प्रोवाइड करती है, क्योंकि मैं खुद एक एजेंसी के थ्रू ही काम कर रहा हूँ, आप एजेंसीज में ट्राई करो, और आप वेयर हाउस होते हैं छोटे छोटे वेयर हाउस भी होते हैं आगे पीछे, वहाँ पर भी जाकर आप ट्राई कर सकते हो, बड़े वेयर हाउस में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो भाई सीधा मना करेंगे कि वो तो भाई एजेंसी के थ्रू ही लगवाते हैं। तो जितने भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ना जॉब्स के रिलेटेड, आप वहाँ जाओ ट्राई करो कि आपको जॉब मिल जाए, मोस्ट प्रॉबली मिल ही जाएगी, ऐसा नहीं कि जॉब बिल्कुल नहीं है, जॉब्स हैं बट इस वक्त ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत मुश्किल से मिल रही हैं जॉब्स, तो ध्यान रखो अगर कोई भी जॉब मिल रही है ना तो भाई छोड़ो मत, ये मत सोचना कि अभी फ़िलहाल के लिए छोड़ देता हूँ तो मैं इसकी जगह कोई और ढूंढ लेता हूँ, अगर ऐसा करोगे तो भाई मुश्किल है, फिर दूसरी भी मिलेगी, ठीक है, इससे अच्छा जो मिल रहा है पकड़ो जॉब करो। तो यहीं तक थी वीडियो, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो मेक श्योर गिव इट अ लाइक एंड कमेंट डाउन भी ज़रूर करना, ठीक है, कोई भी सजेशन चाहिए हो या कुछ भी आपको कुछ पूछना हो तो भाई डायरेक्ट कमेंट करो,
या तो मेरे को डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे डीएम कर लो, मैं वहाँ पे आपके रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो भाई सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलना। और मैंने अभी रिसेंटली देखा 1500 सब्सक्राइबर्स प्लस हो चुके हैं, और साथ ही साथ मेरा वॉच टाइम भी कंप्लीट हो गया है। लाइक मेरे अब यूट्यूब पे एड्स लगने वाली हैं बहुत जल्दी, आई गेस लग ही जाएंगे कल परसों तक। तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है, और आपका दिल से थैंक यू है यहाँ तक इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। तो अपना ख्याल रखो, अपने दोस्तों का, अपने फैमिली का ख्याल रखो, और हेल्दी रहो, स्टे हेल्दी स्टे फिट। ठीक है, सो टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी स्टे सेफ, सो कीप लविंग कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सो मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।